सिवान की सांसद ने हरी झंडी दिखाकर सिवान रेलवे जंक्शन पर नई ट्रेन को किया रवाना। खबर है कि सिवान के सांसद कविता सिंह ने आज बुधवार को सिवान रेलवे जंक्शन पर हरी झंडी दिखाकर नई रेलगाड़ी को रवाना किया। यह नई रेलगाड़ी महाराजगंज होते हुए सिवान से थावे के लिए चल रही है। नई ट्रेन से सारण प्रमंडल के यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। सिवान के एनडीए सांसद कविता सिंह ने कहा कि जनता की सुविधा का ध्यान हमारी सरकार में प्रथम प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार तथा बिहार में नीतीश सरकार ने संयुक्त रूप से बिहार को विकसित करने का काम किया है, जो देश व प्रांत को सबल करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। सांसद ने कहा कि सिवान रेलवे जंक्शन पर मानक के अनुरूप सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए रेल विभाग और सरकार को अवगत कराया गया है, जिसका संतोषप्रद परिणाम भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य जो भी सुविधाएं जनमानस के लिए आवश्यक होगी, उसकी पूर्ति के लिए अनवरत सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया जाएगा। जदयू नेता अजय कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सरकार विकास व प्रगति के कार्यों में विश्वास रखती है, जो धरातल पर दिख रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सिवान, जीरादेई तथा मैरवा रेलवे स्टेशन पर जनहित में जो भी कार्य है, उसके निष्पादन के लिए सांसद महोदय तत्पर हैं तथा रेलवे विभाग को भी अवगत कराने का काम करते आ रही हैं। इस मौके पर सांसद सलाहकार अरविंद आनंद, प्रतिनिधि विनोद श्रीवास्तव, शर्मानंद राम, लाल बाबू प्रसाद, सुनील ठाकुर, चंदन सिंह, कुणाल आनंद, आशुतोष कुमार, उपेंद्र गिरी, मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ बुलू सिंह, संजीव कुमार उर्फ छोटे बाबू, संजय कुमार सिंह, देवेंद्र गुप्ता, चंदन सिंह, वीरेंद्र शर्मा, भाजपा नेत्री अनुराधा गुप्ता, विकास शाही, मनोज सिंह, विवेक सिंह, बंटी सिंह, कुलदीप सिंह आदि उपस्थित रहे। देखिए, आज छपरा कचहरी थावे एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ है। तो ट्रेन संख्या 051-63 है और इससे छपरा से थावे जाने वाले लोगों को बीच में जो भी स्टेशन आते हैं, हमारे ज़िले के कचरुखी हो गया, दरौंदा हो गया, आप भी छपरा कचहरी हो गया, सिवान जंक्शन, अमरोरी, सरसर, इन हाल जगहों पर ट्रेनें रुकेंगी और यहाँ के लोकल यात्रियों को ढेर सारी सुविधा जो ज़्यादा भाड़ा लोकल गाड़ियों में लगाने में उनको मिलते हैं, इस ट्रेन के शुभारंभ से उन्हें बहुत लाभ मिलेगा।